और उसके बीच में सूर्य है। सूर्य के आसपास में 12 रास्ते हैं और उन्हीं 12 रास्तों पर ये ग्रह गोल गोल घूमते हैं। सूर्य से अभी मानो कि आपको देख रहा है मंगल कहां है, तो हम कैमरे से नहीं देख सकते, आपको पंचांग देखना होगा। पंचांग में देखेंगे तो पंचांग में लिखा होगा 25 जून 2016 फलाना फलाना तारीख तक मंगल वृश्चिक राशि में है। यहां तक तारीख समय सेकंड आधी सेकंड भी लिखी होती है उसमें कि इतनी आधी सेकंड तक मंगल इस राशि में रहेगा, मतलब इस रास्ते पर रहेगा। तो हर ग्रह का रास्ता निश्चित है। आज से 100 साल के बाद भी कौन सा ग्रह किस रास्ते पर किस तारीख को जाएगा वो हमारे पंचांग में होता है। जिस तारीख को हमारा जन्म हुआ उस दिन कौन सा ग्रह दूर था कौन सा ग्रह नजदीक था वो सब कुंडली पर से पता चलता है। जो ग्रह दूर है उसकी कमी हमारे में, जो नजदीक है उसका फायदा हमारे शरीर में मिलता है। यदि किसी की कमी रह जाती है तो उसको उसी ग्रह के पत्थर को पहनाया जाता है जिससे उसको फायदा मिलता है, परंतु ये सब श्रद्धा से और विज्ञान से आधारित है। भगवद गीता में कहा कि ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, यदि गहना कर्मणो गति ही, श्रद्धा से करते रहो सब कुछ हो जाएगा। और जो व्यक्ति श्रद्धा से करता है साहब उसका काम होता है। आज भी अनेक बार लोगों ने देखा होता है काम, कई लोगों का होता है। अब एक डॉक्टर साहब थे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, हार्ट स्पेशलिस्ट, बहुत बड़े डॉक्टर, पर भगवान को नहीं मानते थे। उनकी घरवाली भगवान को बहुत मानते थे। वो बताते थे कि आज मुझे 2 ऑपरेशन करने जाना है, बोले गुड़ खा के जाना। अब उनको बहुत गुस्सा आता था कि तुम्हारा गुड़ थोड़ी मेरा ऑपरेशन सफल करवाएगा, और ऑपरेशन सफल करने के लिए मुझे मेरे हाथ काफी है, मेरी बुद्धि काफी है, मेरी पढ़ाई काफी है। बोले जो भी हो मगर आप कभी कातर अंदर भूल गए तो। इतना गुस्सा आता था पत्नी पर बिचारे को, परंतु होता था, झगड़ा होता रहता था, जीवन चलता था। और जैसे तैसे एक दिन ऐसा हुआ उनको कहीं एक कॉन्फ्रेंस में जाना हुआ। अब जाना हुआ तो घर से जा रहे थे और घर वाले ने कहा दही खा के जाइए। अब आया गुस्सा, बोले मैं बिल्कुल दही नहीं खाऊंगा तुम्हारा, ऐसे ही जाता हूं। अब घर से निकले, अब जो भी हो उनको सायंकाल 6-7 बजे पहुंचना था, फ्लाइट लेके जाना। अब हो गया कि एक फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई और आगे दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी, 1.5 घंटे का रास्ता था। अब भूल गए एक फ्लाइट, चुप गए, तो आगे वाली दूसरी भी डिले हो गई। तो अब उन्होंने देखा कि अभी 2-3 घंटा है तो मैं कार लेके शायद पहुंच जाऊं, चलो देखता हूं। उन्होंने कार एक किराए पे ली और खुद ड्राइव करके जीपीएस में एड्रेस डाल के उन्होंने ड्राइव करना शुरू किया। चलते 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 वो रास्ते में वो रास्ता भटक गए। इतना भया भयंकर बवंडर आया, बारिश आई, जाना था कहां कहीं चले गए। समय बीत गया, आधी रात हो गई और दूर दूर तक न कोई होटल है, न कोई खाने का, न पीने का, पेट्रोल भी कम हो गया। इतने में कहीं एक छोटा सा गांव दिखा दिया, छोटा सा टाउन दिखा। वहां गए, एक घर में लाइट चालू थी। अंदर जाकर देखा, दरवाजा खटकाया और उन्होंने दरवाजा खोला, बोले बहुत भूख लगी है भैया, बोले आइए आइए हम आपको भोजन कराएं। उनका स्वागत किया, वो अंदर गए और बोले कि मैं सुबह से निकला हूँ, कुछ खाया नहीं, मुझे बड़ी भूख है, मैं आपको पैसा दे। नहीं नहीं भैया, आप जो भी हो मुझे पैसे की चिंता नहीं है, आप बैठिए, मैं जरा भगवान को प्रार्थना करके आता हूँ, फिर भोजन करते हैं। और डॉक्टर साहब का मगज गया, बोले सुबह से मैं भूखा हूँ और तुम्हें भगवान की प्रार्थना की चिंता है, क्या मिल जाएगा प्रार्थना करते भाई, क्या करते हो भगवान से प्रार्थना? बोले मैं तो कुछ प्रार्थना नहीं करता, परंतु क्या बताऊं, मेरा एक ही लड़का है और उसको हृदय की बहुत बड़ी बीमारी है और उसको एक ही डॉक्टर ठीक कर सकते हैं। और बोलते हैं शहर में, मतलब पूरे देश में एक ही वो डॉक्टर है, उसका नाम बताया और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, इसलिए रोज मेरे भगवान को कहता हूं कि प्रभु ऐसा कुछ करो कि वो डॉक्टर की मुलाकात हो जाए और मेरा बच्चा ठीक हो जाए। साहब डॉक्टर की आंख से आंसू आया और उन्होंने कहा कि भाई मैं रास्ता भटका नहीं, मुझे भगवान ने भटकाया, तुम जिस डॉक्टर को खोज रहे हो मैं वही हूं। आज मैं यहां आया तुम्हारी प्रार्थना की बदौलत। श्रद्धा से व्यक्ति करता है साहब, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। महालक्ष्मी ने यही बात शास्त्रों के जरिए हम सबको समझाया। उस गांव वाली स्त्री को समझाया, बेटा एक काम करो, माँ भगवती की पूजा करो, एक काम करो, जब जब साल में एक बार अच्छा दिन आता है, अच्छे शुभ मुहूर्त में अच्छे कार्य करो और उसी समय में अच्छा खरीदो।
कोई ऐसी वस्तु भगवान के लिए खरीदो, उसकी पूजा करो और अपने पास रखो, महालक्ष्मी की परम कृपा होगी। बोले ऐसा कब करना चाहिए? तो बोले उसके लिए दो दिन सर्प सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, उसमें से एक है अक्षय तृतीया और एक है धन त्रयोदशी। बोले ये दो दिन में तुम कुछ सुवर्ण या कुछ चांदी खरीदो या कुछ पैसा इकट्ठा करके जमा करके रखो। कई लोग पुष्य नक्षत्र भी कहते हैं, परंतु कई कभी कभी ज्यादा उत्तम दिन धन त्रयोदशी ही माना जाता है और एक अक्षय तृतीया। ऐसे तो कई आते हैं, परंतु अक्षय तृतीया में काम किया हुआ कार्य अक्षय हो जाता है। अभी गई दो तीन दिन पहले, जिसको गुजराती में अखातीज कहते हैं और शास्त्र में उसको अक्षय तृतीया कही जाती है, तो उन्होंने किया ऐसा। अक्षय तृतीया के दिन एक चांदी का सिक्का खरीदा और अपनी पूजा में रखा, परमात्मा से प्रार्थना की, पूजन किया और हर हमेशा वो सिक्का अपने पास रखने लगे और धीरे धीरे करते 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 महालक्ष्मी की कृपा होने लगी। अब ये श्रद्धा का विषय है। समय बीता और एक साल पूरा हुआ। एक साल के बाद में वो ही स्त्री रमा के पास, मतलब लक्ष्मी जी के पास गई और दो हाथ जोड़ के कहा कि माँ आप एक साल में आपकी कृपा से, आपने जो बताया उस रास्ते से मैंने कुछ बचा के रखा था, एक चांदी का सिक्का, सब कुछ ठीक हो गया है। मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं एक महालक्ष्मी का मंदिर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जो फायदा मुझे हुआ वो जग को हो जाए। महालक्ष्मी ने कहा कि कैसा मंदिर बनाओगी? बोले जो भी हो, परंतु मेरी एक इच्छा है, मेरी और मेरे पति की, हमें एक महालक्ष्मी का सुंदर दिव्य छोटा सा मंदिर बनाना है और उसके लिए उत्तम दिन अक्षय तृतीया आ रहा है। तो दोनों ने मिलकर, बहुत बहुत वर्षों पूर्व की ये बात है, करीबन कई युग पहले की, तो वो दोनों पति पत्नी ने समय बीतते एक छोटा सा मंदिर बनाया और मूर्ति नहीं मिल रही थी। बहुत खोजने पर भी मूर्ति नहीं मिली, बहुत खोजा गया मूर्ति नहीं मिली। और उसी दिन वो जो गोपालक था, जिसके घर रमा पुत्री बनकर रह रही थी, वहां सब लोग गांव वाले गए और कहा कि हमें महालक्ष्मी की मूर्ति चाहिए, परंतु कैसी मूर्ति हमें कुछ समझ में नहीं आती, आप बताओ। तब उन्होंने कहा कि आपको मूर्ति चाहिए तो वैसे भी मैं ये मोह माया में फंस गई हूं, मैं तो भगवान नारायण से छूटकर आई थी कि साधना करूं, सत्य क्या है उसको जानूं, परंतु इस पृथ्वी में आकर मैं आप लोगों के प्रेम में और कार्य में फंस गई। एक काम करो, अक्षय तृतीया सुबह प्रातः काल शुभ मुहूर्त में आप मंदिर में जाना, अपने आप मूर्ति आ जाएगी और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्षय तृतीया का दिन आया, सब लोग श्रद्धा से विश्वास के मंदिर के अंदर गए, पट बंद थे, मूर्ति कहीं से आई नहीं। और सज्जनों आश्चर्य हुआ, अक्षय तृतीया के दिन जब लोगों ने पट खोला तो वही महालक्ष्मी काले पत्थर के रूप में वहां पर स्थापित हो गई थी। लोगों ने कहा क्या हुआ, चमत्कार हुआ, लोग खोजने गए कि वो कन्या कहाँ गई, रमा कहाँ गई, रमा कहाँ गई। पूरे गांव में खोजा, कोई नहीं मिला। वो बालक आया मंदिर में आकर माँ को कहा, माँ मेरी रमा कहाँ, रमा कहाँ। और मूर्ति से आवाज आया, रमा और कोई नहीं, रमा स्वयं महालक्ष्मी है। और तब से एक अद्भुत दिव्य रूप से अक्षय तृतीया के दिन से ही कोल्हापुर में महालक्ष्मी की स्वयं भू प्रतिष्ठा हुई है। जिसको किसी ने स्थापित नहीं किया वो स्वयं भू मां है। तो आज भी सज्जनों भारत में महालक्ष्मी का एकमात्र दिव्य मंदिर है और वो है कोल्हापुर की महालक्ष्मी। पत्थर काला है परंतु अद्भुत उसमें सौंदर्य, उसका श्रृंगार अद्भुत होता है। जब भगवान का विग्रह काला होता है तो उसके ऊपर अभिषेक का महत्व बढ़ जाता है, जब विग्रह सफेद होता है तो उस पर श्रृंगार का महत्व बढ़ जाता है। सज्जनों ध्यान देना, कई प्रकार की पूजा होती है, कई पूजा श्रृंगार में होती है, कई पूजा अभिषेक में होती है, कई प्रकार की पूजा अर्चना में होती है, और महालक्ष्मी का जो शास्त्र है उसमें सबसे ज्यादा अभिषेक का महत्व है। इसलिए हमारे मंदिर में जून मास में भी अभिषेक प्रिय माँ पद्मावती स्वरूपी अष्ट स्वरूपिणी महालक्ष्मी की स्थापना होगी। वो स्वरूप भी पद्मावती जैसा काले पत्थर का होगा और दिव्य अभिषेक हम उसमें करेंगे। तो ये माँ की कृपा है। तो कोल्हापुर ये दिव्य मंदिर महालक्ष्मी का एकमात्र है जो स्वयंभू है। आज भी साक्षात महालक्ष्मी वहां विद्यमान है। दिन में दो बार श्रृंगार मां का बदला जाता है,
सुबह में माँ का अद्भुत श्रृंगार और सायंकाल माँ की पुष्पांगिनी सेवा होती है। अनेक पुष्पों से माँ की अर्चना पूजा करने का विधान कोल्हापुर में है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति कोल्हापुर जाता है वहां से एक सोने का सिक्का खरीद कर अपने घर पे रखता है उसके घर महालक्ष्मी की परम कृपा होती है। बोलिए महालक्ष्मी मात की। अब ये सिक्का खरीदने की परंपरा वहीं से आई। बोलो जय श्री कृष्ण। कहा क्यों? बोले एक सुव्रत नाम के राजा थे। ये राजा के पास संपत्ति बहुत थी परंतु उसके जीवन में रोग बहुत था। संपत्ति इतनी थी कि संपत्ति के से वो सब कुछ खरीद सकता था। इतने बड़े बड़े वैद्य लाया परंतु उनके परिवार में कभी ना कभी किसी को रोग रहता था। उनको उनके पुत्रों को सबको ऐसे कहीं ना कहीं रहता था। अलग अलग विद्वानों से बात की, सलाह मशवरा हुई और कहा कि मेरे रोग को दूर करने के लिए यदि कोई उपाय हो तो आप कृपा करके बताना। तो किसी ने कहा एक काम करो राजा, पैदल अब कोल्हापुर मंदिर में जाओ और महालक्ष्मी को प्रार्थना करो, क्योंकि हमने सुना है आज तक कोल्हापुर महालक्ष्मी के वहां से किसी की झोली खाली नहीं गई, एक बार श्रद्धा से जाकर देखो। राजा अपनी पत्नी बालकों को पैदल लेकर चलकर गया और जाकर महालक्ष्मी को प्रार्थना की कि प्रभु घर में बीमारी बहुत है, बीमारी को दूर करना। पंडित जी ने कहा राजा आए हो खाली हाथ माँ के पास जाना चाहिए, नहीं माँ को कुछ समर्पित करना चाहिए। बोले क्या समर्पित करूँ? बोले तुम्हारे पास जो हो वो समर्पित करो और माँ को प्रार्थना करो कि माँ आज मैंने आज आपको इतना समर्पित किया, मेरा इतना काम हो जाएगा तो फिर से मैं इतना समर्पित करूंगा। इसको कहते हैं मन्नत। कई लोग कहते हैं कि ज्यादा मन्नत नहीं रखना चाहिए फिर भूल जाते हैं। बोलो जैसे कृष्ण। और कई लोग की मन्नत तो क्या बोलते मतलब कभी भी घूम सकने वाली मन्नत होती है। हमारे छह सज्जन अहमदाबाद में, उन्होंने चावल नहीं खाने की मन्नत ली कि भगवान मेरा घर हो जाएगा अपना तब तक मैं चावल नहीं खाऊंगी। अब कहीं भंडारे में गए और बढ़िया अच्छे चावल बने थे तो सोचा अब करूं क्या, चावल ही है यहाँ खाना और तो कुछ है नहीं। तो कहा हे भगवान आज के दिन में चावल की जो मन्नत थी वो गेहूं पर रखती हूँ। तो एक दिन के लिए उन्होंने चावल की मन्नत गेहूं पर रख दी, चावल खाना शुरू कर दिया। अब दूसरे दिन कहीं गए तो वहां रोटी थी, बोले आज तो रोटी है माता जी मेरी मन्नत फिर से चावल पर। तो ऐसी मन्नत नहीं, जो श्रद्धा हो एक ऐसा मानना चाहिए। हमारे मंदिर में भी लोग मानते हैं कि भाई भगवान हमारा ये काम हो जाएगा तो 11 परिक्रमा करते हैं, या बालाजी या शिव जी की या माता जो जिनके जो भगवान अच्छे लगे और मन्नत रखते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो अभी 11 करके जाता हूँ, मन्नत हो जाएगी तो 108 परिक्रमा करने वापस आएंगे। बहुत हम देखिए बहुत लोग आते हैं और इसलिए मैंने 108 पैनी गिन के रखी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो आता है उसको पकड़वा देते हैं वो परिक्रमा लगा। श्रद्धा है तो कार्य बिल्कुल होता है, विश्वास होना चाहिए उसके लिए। तो राजा माँ के पास गया, विश्वास से प्रार्थना की कि हे माँ मेरा कार्य हो जाएगा, कुछ समर्पित करेंगे। तो उनकी पत्नी के गले का एक हार था, सज्जनों ध्यान देना, और उनके गले में सोने के सिक्के मतलब छोटे 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 सिक्के की एक सुंदर एक एक हार ऐसा आता है, आप जानते हो स्त्री को तो गले में सुंदर वो पैनी का हार था, सुंदर एक एक, एक, एक सोने की पैनी थी, उसमें से एक निकाली और महालक्ष्मी को समर्पित की कि माँ मेरे परिवार का रोग दूर करना, अगले साल आकर एक और पैनी चढ़ाऊंगा। और ये बात सत्य हो गई, राजा के परिवार से रोग समूल नष्ट हो गया। तब से लेकर राजा हर अक्षय तृतीया को आने लगा और एक एक सुवर्ण की पैनी माँ को चढ़ाने लगा। आज भी वो परंपरा है, कार्य संपन्न करने के लिए लोग सुवर्ण की छोटी सी पैनी महालक्ष्मी को चढ़ाते हैं। तो आज देखिए आप महालक्ष्मी के गले में वो पैनी का हार होता है, उसमें महालक्ष्मी का सुंदर चित्र अंकित होता है। ये हार महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए वो दिव्य हार आज भी उसका प्रमाण है कि यहाँ लोगों के कार्य होते हैं। तो महालक्ष्मी का ऐसा दिव्यतम एक मंदिर है। और ये तो कोल्हापुर का मंदिर की बात हुई, ऐसे ही दूसरा एक मंदिर है विश्व में जिसको चेन्नई में अष्टमहालक्ष्मी मंदिर कहा गया है, जो भी बहुत सुंदर मंदिर है। एक बार जो अष्टलक्ष्मी मंदिर में दर्शन करता है उनके ऊपर महालक्ष्मी की परम कृपा होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। बहुत वर्ष पूर्व की एक बात है,
चेन्नई में उस क्षेत्र में दक्षिण भारत में एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार था और ब्राह्मण परिवार का लड़का पढ़ने के लिए जब अपने विद्यालय में जाता था तो साथ में राजा के बच्चे भी वहां पर पढ़ने के लिए आया करते थे, पढ़ने के लिए आते थे। तो होता यह था कि राजा के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे, उनके पास पढ़ने के लिए बहुत साधन सुविधाएं होती थी, और ये ब्राह्मण का बालक जब बेचारा जाता था तो उनके पास कुछ नहीं होता था क्योंकि ब्राह्मण गरीब थे, परंतु पढ़ने में बड़ा तेज था बेचारा, बहुत अच्छा पढ़ता था। उसकी अच्छी पढ़ाई को देखकर जब गुरु जी इस बालक ब्राह्मण बालक की प्रशंसा करते थे तो उन राजा के बालकों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए संपत्ति के रूप से उनको चिढ़ाया करते थे, तुम तो भिखारी हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं है, ऐसा करते करते उन बालक को परेशान करते थे। एक दिन घर पे जाके बालक अपने माँ के पास रोया और माँ को कहा कि माँ मुझे पढ़ने में बहुत ध्यान देना अच्छा लगता है परंतु मैं ध्यान दे नहीं पाता क्योंकि वो जो बच्चे आते हैं राजा के वो भला बुरा कहते हैं, हमारे पास भी पैसा कब आएगा, कब मैं उनके जैसे कपड़े पहनूंगा, कब मैं उनके जैसी साधन सुविधाओं के साथ खेलूंगा, कब मैं अच्छे खिलौने खेल पाऊंगा। माँ की आंख से आंसू आ